हम तो जी राकेश भाई कंबोज को ही देखते हैं मालिक, राम कुमार कश्यप ने तो कोई काम ही नहीं करवाया, गो मही नहीं आकर देखे जी बड़का भाई क्या हो रहा है क्या नहीं मालिक। मुद्दे तो सारी जहाँ हो या तो कुछ भी नहीं, सब तो बड़ा मुद्दा तो भी हो जी रेड़ा थारे सामने लोग किस तरह माहौल तो सुरेंद्र का लग रहा है जी पुराना। अच्छा आपका माहौल हमें तो ऐसा दिखता है जैसे बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी हाँ जी। अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहने, जैसे आपको पता है कि हम चुनावी यात्रा कर रहे हैं और हरियाणा के एक एक गाँव में जाकर हम पता कर रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव का माहौल कहा है क्या है। आज हम खड़े हैं इंद्री विधानसभा क्षेत्र के अंदर, इंद्री विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाला भादसों गाँव, जो ये चौक सबसे व्यस्त चौक है और इस चौक में आपको सभी मिलेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हैं चुनाव के। और हमारे बीच में नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम क्या जी? राजकुमार। राजकुमार जी आप कहाँ रहते हो? भीड़भाड़ जी। हल्का इंद्री। इंद्री यहाँ पर आपके खड़े हैं कश्यप साहब और राकेश कंबोज जी खड़े हैं जी। तो आप इस चुनाव को कैसे देखते हो? हम तो जी राकेश भाई कंबोज को ही देखते हैं मालिक, राम कुमार कश्यप ने तो कोई काम ही नहीं करवाया, गो मही नहीं आकर देखे जी बड़का भाई क्या हो रहा है क्या नहीं मालिक। अच्छा। कोई सरपंच की नहीं देखा मालिक, कोई कहा सुनी नहीं हुई, न कोई गली का निर्माण होया, ना कोई जो कोई ना कोई काम तो कराया होगा पांच साल में, कोई काम नहीं करवाया जमी एक रुपये का भी काम नहीं, कोई से गाँव में भी नहीं करवाया इसने जी। आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर मेन मुद्दे क्या है चुनाव के? मेन मुद्दे तो यही है जी, मारे वाले रोजगार भी नहीं है बिल्कुल भी कहीं भी। सरकार कहती है बगैर पर्ची खर्ची हमने नौकरी दी है, वो कुछ नहीं है, ये तो जुमला जी एक किस्म का जमीन। हाँ ये तो जोड़े ले फिर हाँ, और मतलब कह देंगे भाई नौकरियां इतनी दे दी कुछ नहीं है जी, ये तो बस हाँ इन्हें कुछ नहीं करा जमीन। तो इस बार तो आप ये बताइए इस बार जो किसानी आंदोलन है वो कहाँ तक सार्थक होगा इस चुनावों में? पूरा होगा जी, पूरा समर्थन है जी उसका, किसान तौर पर मतलब पूरा समर्थन है जी इसका। अच्छा ये तो जो आपका ये चौक है राकेश जी, चक्कर लगाना थोड़ा सा चौक क्यों दिखाना, इस चौक में आपको क्या लगता है कि अच्छी तरीके से और बन सके? हाँ बनना चाहिए, हम तो जो काफी सुविधा उसका माले बचाओ हुआ माले बनना चाहिए जी। अच्छा। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं करा जी, मरा भी एक हुआ नहीं करा भी यहाँ चौक की सुविधा हो जाए, एक्सीडेंट से बचा माले, हर रोज यहाँ एक्सीडेंट हुआ जी माले। हाँ इसने कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, हर होनी चाहिए जी माले। यहाँ आगे हम तो जो काफी आगे आने वाला देखो राकेश, ये बताइए आप जो अगली सरकार आ रही उससे क्या अपेक्षाएं करते हैं अपने एमएलए से? अगर बनते हैं आपके एमएलए तो उनसे आप क्या डिमांड करोगे? उससे कहने की भी जरूरत नहीं है जी, वो तो देख के जा रहे जी, उन्हें पता है जी, यहाँ वो अपने आप ही बना देंगे जी। अच्छा अपने आप बना देंगे? हाँ अपने आप बना देंगे, कहने की जरूरत ही नहीं। अच्छा आपकी ये दुकान है जो ये सुखड़ हलवाई, हाँ। कितनी देर से है ये? तो कम से कम 30 सालों से है जी। 30 साल से? हाँ जी। 30 साल में कोई डेवलपमेंट तो होगी इस एरिया के अंदर? कुछ नहीं हुआ जी बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ। तो आइए हम चलते हैं आगे, इन लोगों से पूछते हैं कि यहाँ के लोगों के व्यूज क्या है चुनाव के बारे में। तो कहें नमस्कार, हमारे बीच में इंद्री विधानसभा के लोग जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? अक्षय जी। ऊंची बोलिए। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी यहाँ पर आ गए हैं, तो आप ये बताइए अक्षय कुमार जी यहाँ पर क्या लगता है इस वक्त चुनाव का? बस चुनाव पर ठीक ठाक हो जी, मतलब काम बड़ी अच्छे होने थे जी, बस गरीब आदमी क्या चाहो जी, जनता ही चाहो जी। अच्छा यहाँ पर कौन सा काम अच्छा हुआ है बताइए 5 साल में आपके पुराने विधायक ने किया? बस काम तो सर जी देखो जो जो भी हो रहे हैं मतलब उसको ही पता जी, जो कर रखे मतलब उसको नहीं पता। तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में परिवर्तन के पुराने वाले एमएलए पे जाओगे कि नया परिवर्तन चाहते हो? देखो सर जो मतलब खड़े तो 4-5 है, देखिए इन्हें नहीं पता किसका गेड़ा किसका हो जी। अच्छा तो वोट झूठ डालनी है आपने? कोई बात नहीं, वोट डालनी है। अच्छा आप भी मान लो जी, बताओ गेड़ा किसका हो जी, ये तो पलटा किसका है जी, 5-6 खड़े जी। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब क्या बता मतलब कौन सा बन गया जी इस बात के बारे में? ये बताइए जो आप गांव में जाते हो कि गांव में भी रहते हो तो वहां पर निष्पक्ष होकर बताइए कि किसकी वेब लगता है आपको, वेब है कि नहीं है क्या है? वो तो देखो जी तारीख बता दे जी आने वाला चुनाव जी। अच्छा चुनाव, इन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव बताएंगे लेकिन अभी तक वोटर सारे साइलेंट है। क्या नाम है जी आपका? लाभ सिंह। लाभ सिंह ऊंचा बोलिए। लाभ सिंह। अच्छा गाँव कौन सा आपका? यहाँ पर क्या लगता है चुनाव का जो माहौल है यहाँ पर जो? ठीक है बढ़िया। अच्छा क्या लगता है आप ना बोलिए प्लीज, आप मत बोलिए, ये जनता का टोटली सर्वे है, प्लीज ऑब्स्टेकल क्रिएट ना कीजिए। हाँ जी क्या लगता है आप बताइए? ठीक है दोनों को ठीक है, कोई मुकाबला तगड़ा है यहाँ पर। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे तो सारी जहाँ हो या तो कुछ भी नहीं, सब तो बड़ा मुद्दा तो भी हो जीरी थारे सामने लोग किस तरह। जीरी वाला मुद्दा क्या है? आप हमें ना यहाँ पर लाड़वा में बताया था, क्या दिक्कत आ रही है? सारा आपके सामने नहीं बैठे लोग 6-6 दिन मतलब मंजे ढूंढ बैठे वहाँ। अच्छा मतलब कि ये रात बरसात हो अच्छा, सारा नुकसान हुआ कितना नुकसान है? तो ये किसान आंदोलन भी यहाँ पर काम करेगा किसान? सारा काम तो सारा करेगा जो किसान
किसान मुद्दा भी काम करेगा। अब हम आगे चलते हैं, ये भाई साहब हमारे बीच में है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मोहित है जी मेरा नाम। मोहित जी आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा गांव पास में है, उड़ाना गांव से हूँ जी। उड़ाना। अच्छा ये बताना इंद्री विधानसभा क्षेत्र, तो ये बताना कि इंद्री विधानसभा के क्षेत्र में जो चुनाव है उसमें आपको क्या लगता है? कांटे की टक्कर है जी, कांग्रेस और बसपा। सुरेंद्र उड़ाना है ना जी, अपने उम्मीदवार, उनके उनके बीच। तो सुरेंद्र उड़ाना पर आप क्यों विश्वास रखते हो ये बताइए? हमारे बीच का है लड़का, हमारे बीच में से खड़ा हुआ है। अच्छा स्थानीय है? स्थानीय है, मतलब लोकल। यहाँ का दुर्भाग्य है इस एरिया का, एक भी अपना नेता नहीं है यहाँ पे कोई भी। अच्छा। यही दुर्भाग्य है। पिछले आप 70-80 सालों से देख लो, हम गुलाम है दूसरों के। हमने अपना कोई नेता पैदा ही नहीं किया यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ, ये लड़का हमारा अपना है। अच्छा। हमारे बीच में पड़ा है, खेला है, बड़ा हुआ है। यानी ये मुद्दा इस चुनाव में आएगा कि स्थानीय को आप लोकल लोगों से किसी से भी बात करके देखो, ठीक है? आप 80% दिमाग में लोगों के यही है कि हम अपना एक भी नेता पैदा नहीं कर पाए। पार्टी जो मर्जी हो, यानी अपना नेता की बात चल रही है। हाँ, पार्टी देख रही, पार्टी उनको देख रही है। पार्टी, हम पार्टी को तो बाद में जिताएंगे ना जी, लोकल तो हमारा खुद। ये लोग जीत के अपने घर जाके बैठ जाते हैं, हमारे तक तो यहाँ कोई आता ही नहीं। आता है कोई? ये बताइए जो आपके पुराने MLA थे, हाँ जी, तो उनकी कार्यशैली से आप खुश थे? क्या क्या काम किए हैं उन्होंने एक बताइए? अभी मैं थोड़ी देर पहले एक न्यूज देख रहा था बैठा हुआ फोन पे, उन्होंने गांव गोद लिया हुआ है, उसकी हालत देखोगे ना आप, पुराने जो हमारे। कौन सा गांव होता है, गांव बताइए? मैं बता देता हूँ। अच्छा। हाँ, वो हालत इतनी खराब है ना उस गांव की। हाँ, जो कश्यप जी जो BJP से विधायक है, मैं गांव का नाम बता देता हूँ जी, ये देखो हाल, उमरपुर गांव है। हाँ, उन्होंने गोद लिया हुआ खुद से ही, ठीक है? वो गांव की हालत देखो, गांव में घुसते ही कितना पानी है, ये घुस। यानी जो गांव गोद लिया उसका भी हालत खराब है। अच्छा ये बताइए, आते ही नहीं देखने, यहाँ के है ही नहीं, आएंगे क्यों यहाँ पे? तो आपको लगता है जो उड़ाना है वो उड़ान नहीं भरेंगे, वो बीच में यहीं पर रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जो ठीक है जी, कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास ही रहेगा। और आज भी वो तो आज भी हमारे बीच में है, हजारों लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करता है बैठ के, हजारों लोगों की। किसी का फोन पे काम होना है, किसी के साथ जाके काम होना है, किसी का हाथ जोड़ के काम होना, जाता है लड़का। अच्छा, मुझे मोहित जी कि जो किसानी मुद्दा है यहाँ पर चलेगा? किसानी मुद्दा जी देखो, किसान को प्रॉब्लम है पर इतना नहीं चलेगा वो मुद्दा यहाँ पे। यहाँ पे अभी आज का जो मुद्दा है, आज का मेन मुद्दा है अपना नेता। हम 70-80 सालों से पैदा ही नहीं कर पाए इस एरिया में, कमाल होगी। मतलब यहाँ की अराउंड 1.5 लाख वोट है इस इंद्री हल्के की। 1.5 लाख वोट में हम एक आदमी ऐसा नहीं पैदा कर पाए जो हमारे इस एरिया को खुद का हो। बाहर के आते हैं, मैं यहाँ से जीत के चले जाते हैं वोटे लेके, कोई देखता भी नहीं पीछे। इस एरिया का यही दुर्भाग्य है। हमारे से तो अच्छा ये कैथल रोहतक थप्पड़ मार के काम कराते हैं नेता से अपने से। ये हमारा लड़का ऐसा ही है, इसके कान पकड़ के लोग लेके जाते हैं। यानी इतना विश्वास है आपको? है, इसका कान पकड़ के काम तो हैं। अगर वो जीतते हैं हम फिर आएंगे आपके तरफ। मोहित जी आपसे फिर पूछेंगे काम कौन कौन से हुए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा आइए, हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? सुनील कुमार जी, बासु। बासु, अच्छा क्या लगता है इस बार आपको? हमें कांग्रेस जीतेगी जी, राकेश कंबोज। अच्छा राकेश कंबोज जीतेगा। अच्छा हाँ जी, आपका नाम क्या जी? मेरा नाम जरमल है जी, पंजाब से हैं हम जी, यहाँ काम करने आ रहे हैं। यहाँ पर नहीं जी, हमारा वोट नहीं है। अच्छा वोट नहीं है। अच्छा हम आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्या नाम है आपका? राकेश जी कंबोज के उम्मीदवार, हमारे 15 सालों में। तो अपना नाम की है? मेरा नाम हरीश वाल्मीकि जी। अच्छा कहाँ से है? गाँव बात से जी। अच्छा अब ये आप मुझे बताएं, यहाँ पर कौन कौन से काम हुए हैं? हमारे बीच में जी, जो हमारे दलित समाज है, जो जिसमें सारे वर्ग आते हैं जी, सारे वर्ग जी, हमारा कोई कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई माड़ा काम नहीं किया, बल्कि जो मुद्दा किसान योजना के बारे में, उसके बारे में। तुम किसान हो? ना जी ना। फिर किसान मुद्दे के बारे में बोल रहे हो? आपने पूछे ना। काम कर रहे हो? ना जी, हमारे हमारे वर्ग के। अच्छा हमारे, अच्छा खेतों में काम करते हो? गरीब जी हाँ। हमारी योजना कांग्रेस पार्टी ने घर घर पहुंचाई हुई है हमारे बीच में, जो राकेश जी हमारे डच सर है पिछा जी, उसके बाद जी मेहता जी बने हमारे जी, भीम सिंह मेहता जी, उसने हमारे भी काम किए। जबकि गरीब जो दलित समाज है, मैं वाल्मीकि समाज रखता हूँ जी, वाल्मीकि समाज समझ रखता जी, मैं
जो राकेश जी है जो हमारे जी कम्बोज जी हाँ जो हमारे बीच में ना तो उसके पीछे की टिकट है जी, सिर्फ एक जनता की आवाज है इंद्री हल्के। चलो राकेश कम्बोज करो, राकेश कम्बोज लहर है, चलो इन्होंने राकेश कम्बोज की लहर दी है। आज हम आगे अंदर चलते हैं दुकान पर। हाँ जी नमस्कार जी, और व्यापारी वर्ग भी हमारे बीच में जुड़ चुका है। नमस्कार जी, खाना खा रहे थे, सॉरी है। फतेह सिंह है, फतेह सिंह आपका एरिया कौन सा है? यही इंद्री पड़ता है मेरा। अच्छा ये बताइए फतेह सिंह जी, इस चुनाव में आप दुकान करते हो तो आपको सरकार ने क्या क्या फैसिलिटी दी है? सर जो सरकार है ना बीजेपी, ये हर वर्ग के लिए है, इसने किसी का नुकसान नहीं किया, तो सबके लिए है सरकार है ये, तो हमारा कोई नुकसान नहीं किया इसने, बल्कि हमारे लिए बेनिफिट ही करे, GST देके ना नंबरे का काम हमारा कर दिया। तो आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो कांटे की टक्कर है, उसमें क्या लगता है आपके दिल की आवाज़ क्या है? जी सर एक्चुअली क्या है, अगर सर देखे ऊपर सरकार, मोदी सरकार, ऊपर सरकार देख के देखते लगता है बीजेपी को वोट देनी चाहिए, क्योंकि ऊपर की सरकार देख के नीचे काम होएंगे। हम चाहते हैं भाई देश के लिए विकास जरूरी है हरियाणा का, अगर हम अपनी किसी पार्टी को वोट देंगे तो सरकार, बाकी हमारा जो सुरेंद्र उड़ाना खड़ा है हमारा भाई है, अगर उसको वोट मिल जाती, उसको वोट उसको सीट टिकट मिल जाती उसको, तो बीजेपी के उम्मीदवार थे यहाँ से, वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो हमारे सुरेंद्र उड़ाना को टिकट मिलनी चाहिए थी, हमारे रामकुमार कश्यप जी को टिकट दिया बीजेपी ने, पता नहीं क्या सोच के दिया हमें पता नहीं है, बाकी सुरेंद्र उड़ाना जी को टिकट मिलनी चाहिए थी, हमारे एक तरफा जीती हमारे यहाँ पे। आप यानी मुकाबला कांटे का? आप कांटे का सर। अच्छा तो ये बताइए कि मुझे पहले भाई साहब मोहित जी थे, उन्होंने कहा कि इस एरिया में कोई नेता नहीं बन सका, हमेशा पैराशूट नेता हैं, इस बारे में कहाँ तक सच्चाई? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे हमारे जब भी यहाँ से कोई बना ना आज तक, वो आउट ऑफ स्टेशन ही बना है हमारे यहाँ से। अच्छा। तो हम चाहते हैं हमारे इलाके का, हमारे यहाँ का कोई बंदा उम्मीदवार बने, कोई जीत के आए, हमारे हल्के का विकास करवाए। तो आपने अभी कहा कि सुरेंद्र उड़ाना जी बीजेपी से बसपा में NLD गठबंधन टिकट मिल गई, तो आपको लगता नहीं कि ये कांटा इलेक्शन टक्कर का होगा? ये इसमें क्या होता है, अगर सर हम खड़ते हैं चार उम्मीदवार खड़ेंगे, वोट तो कटती है, वोट कटेंगे हैं। और हम बैठे हैं इंद्री में ऑटो के अंदर, क्योंकि ऑटो वाले ऐसे लोग होते हैं जो एक लोगों को एक सफर से दूसरे पर लेके जाते हैं, इनको बहुत ज्ञान होता है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या बोलिए? नमस्कार सर जी। कहाँ से रहते हो आप? बासों से हैं सर जी। अच्छा आपका नाम क्या है? नरेंद्र है जी। जी नरेंद्र है जी। नरेंद्र जी क्या लगता है इस बार चुनाव में आपको? चुनाव में ठीक लगता है जी, हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव सही तरीके से हो। एक तो अच्छा ये ऑटो वाले कोई दिक्कतें हैं आपकी? कोई दिक्कतें तो कुछ नहीं है, दिक्कतें यही है जी, मान ले कभी कोई यूनियन वाले रोक लेते हैं, जिनकी यूनियन होते हैं, हमारी तो यही है, अभी रिक्शा ली है, रिक्शा टाइप में आती है जैसे, तो कभी जैसे पीपली या कुछ इतर निकल जाते हैं तो कोई ना कोई यूनियन वाले छोटे टेम्पो वाले हमें रोक लेते हैं। अच्छा तो सरकार आपके मौजूदा विधायक की कार्यशैली से खुश हो आप? हाँ रामकुमार जैसे कस्सब है इंद्री से हमारे, हम खुश हैं जी अब तक तो। अच्छा जी ठीक। हमें तो बीजेपी सरकार में मिला भी बहुत कुछ है जी। अच्छा ऑटो वाले कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो अब हम खड़े हैं यहाँ पर भासो चौक में फ्रूट की दुकान पर, और हमारे बीच में क्या नाम है आपका? रवि। रवि ये जो चुनाव हो रहा है इस बार विधानसभा का, इसको आप कैसे देखते हो? क्या मुद्दे क्या है आपके इस चुनाव? जो बढ़िया सर जी, जो सही रहेगा, जो हम तो पार्टी को वोट देंगे, कोई जो पार्टी से खड़े होगा हम तो उसको वोट देना चाहेंगे सर। नहीं अच्छा वो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये बताइए कि आपके इस एरिया में कौन सा काम होना चाहिए जिससे आपको आसानी हो, क्या मांग होगी सरकार से अगर सरकार दूसरी बनती है? देखो फिलहाल हम तो बस हैं राजी में, तो साफ सफाई का मुद्दा हो जी। अच्छा। साफ सफाई विषय रखे जो मान ले जाएगी नाले की है जी, सफाई सफाई होनी चाहिए जी टाइम पे। अच्छा। मेन मुद्दा तो ये है जी साफ सफाई का। अच्छा, बाकी डेवलपमेंट हो रही है? बाकी सही है जी, बढ़िया काम हो रहे जी। तो बाकी काम सही है। हाँ जी सर धन्यवाद। तो हम यहाँ पर इंद्री में है और यहाँ पर हम पूछते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों के मुद्दे क्या है। नमस्कार जी। आपका नाम? मोहनलाल जी। मोहनलाल जी क्या मुद्दे लगते हैं आपको यहाँ पर चुनाव में? चुनाव का ठीक है जी, यहाँ माहौल ठीक है। आपको क्या लगता है इस एरिया में कौन सा काम होना चाहिए? काम तो वही रह भी बीजेपी वाला ही है अभी। बीजेपी वाले हाँ। माहौल किसका लगता है? माहौल तो सुरेंद्र का लग रहा है जी। सुरेंद्र उड़ाना। अच्छा सुरेंद्र उड़ाना, सुरेंद्र उड़ाना पर इन्होंने विश्वास जता रहे हैं कि हाँ उनका माहौल लग रहा है। तो कुछ करे नहीं भी यहाँ से, कुछ नहीं किया ना कुछ नहीं। कह रहे पहले वालों ने कुछ नहीं किया, लेकिन सुरेंद्र उड़ाना वो इनको लगता है कि वो कुछ करेंगे। हाँ करेंगे जी। पक्का? हाँ इंद्री हलके का पक्का जी। इंद्री हलका का पक्का करेंगे। हाँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लाम है जी। इस्लाम कहाँ रहते हो?
इंदौर शहर में रहते हैं जी। इंदौर शहर में क्या लगता है माहौल इंदौर का जो चुनाव हो रहा है जी? इंदौर चुनाव में जो माहौल है जी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। कांग्रेस क्यों आ रहा है कांग्रेस का? क्योंकि ना जी बहुत ऐसा है जी लोग सरकार तंग है बहुत जी। तंग है? क्यों तंग है लोग यानी? क्योंकि शहर में कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किए हैं। सरकार कह तो रही है जैसे इंदौर शहर में ना देखो जी कोई पॉलिटेक्निकल है जी न कोई आईटीआई है जी। जो हफ्ता बनाया गया उसमें कोई सुविधा नहीं है जी। जो सरकार के पास कोई भी काम करने जाओ कोई मिलता नहीं है जी। और विधायक तो मैं देखे नहीं कैसे है जी। अच्छा ये कह रहे हमने मौजूदा विधायक देखे नहीं है कोई फैसिलिटीज नहीं हुई। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हुकम चंद कश्यप। अच्छा कहाँ पर रहते हो? सरवण गांव, सरवण माजरा। अच्छा क्या लगता है इस बार चुनाव का जो माहौल है? चुनाव का माहौल हमने तो ऐसा दिखता है जैसे बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ जी। ये कह रहे हमें दिखता है कि बीजेपी जीतेगी यहाँ से। तो हमारे बीच में जैसे आपने देखा कि जनता स्पष्ट रूप पर अर्थ प्रकाश की चौपाल में अपने दिक्कतें रख रही हैं, अपने विचार रख रही हैं और हमारे बीच में एक कड़ी और जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद जी क्या लगता है इस बार चुनाव में आपको? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? बीजेपी को जीतेगी बताइए। काम करे हैं? काम किए, काम किए। हाँ काम। तो ये बताइए आपके जो मौजूदा विधायक ने कौन सा बड़ा काम किया? सड़का का। सड़कें देखो, सड़कें सड़का का जी रोड का डेना बड़े 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 निकाले हैं। अच्छा ये बताइए अगर बीजेपी जीतती है तो आप अपने एरिया में, इस एरिया में कौन सा बड़ा काम कराना चाहोगे? बड़े काम सड़का के, जो लोकल सड़क रह रही है ये वो जगह, लोकल सड़कें रह रही है वो, बाकी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर। हाँ विकास है, विकास ये कह रहे विकास है और यहाँ पर बीजेपी जीतेगी इन्होंने कहा। हम इंद्री विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और हम बातचीत कर रहे हैं एक एक दुकान पर जाकर और हम यहाँ पर मोबाइल शॉप है, हम इससे पूछते हैं कि इस चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी आपको कितने दिन हो गए इस दुकान पर? इसको मेरे को 20 साल हो गए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप जो मौजूदा विधायक हैं उन, हाँ राम कुमार जी, उनकी कार्यशैली से कैसी लगी आपको? बिल्कुल बेकार जी, कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ भी कार्य नहीं हुआ उसके कार्यकाल में। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा। हर पब्लिक परेशान है इससे। अब आप बुजुर्ग हो गए, 73 साल की उम्र हो गई है, घर बैठ के पेंशन लेके, घर बैठ के पेंशन से गुजारा करे, पेंशन तो वैसे भी बात ऐसे पास। अच्छा। क्या दिक्कत है इसको? अच्छा। बताओ बीजेपी में रहकर क्या काम किया इसने? 5 साल हो गए इसने, 5 क्या 10 साल ही हो गए इनकी सरकार में। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ के जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है लेकिन वोट कास्ट तो आप जरूर करना पड़ता है। हाँ जी, वोट जरूर करना। आपके सामने ही है, देखो नाले, देखो क्या निकासी है पानी की, थोड़ी सी बारिश आज पानी इकट्ठा जोड़ बन जाता है यहाँ पे। तो अब आप क्या चाहते हो? हम निकासी चाहते हैं, पहले तो बासु चौक की निकासी हो जाए, कुछ गरीब जनता के हक में बोले, कुछ भी कार्य करे, कुछ तो कार्य होने चाहिए ना। आम आदमी बाहर जा रहा है, किस वजह से जा रहा है? नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे बाहर जा रहे हैं, उनका फायदा क्या है? स्टडी कर रखी है, बीएड कर रखी है, वो भी बाहर जा रहे हैं। नौकरी वगैरह इस एरिया में कुछ भी नहीं है जी, मैं यही बताता हूँ। मेरी वाइफ, मेरी भाभी जी हैं, उन्होंने बीएड कर रखी है, नौकरी के लिए बोला, खर्ची पर्ची कहते हैं ना, खर्ची पहले लेते हैं। नहीं नहीं ये तो बहुत इन्होंने अच्छी बात आई, देखिए मुद्दा उठाया कि खर्ची पर्ची का जो पूरे हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम खर्ची पर्ची बगैर नौकरी दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। 5 साल हो गए मेरी भाभी को, मैंने बाहर ही भेजना पड़ा उनको। हाँ बीएड करके भाभी ने उनकी फैमिली को बाहर ही भेजना पड़ा, तो क्या फायदा हो उसका? ये कहते खर्ची पर्ची पे काम हो रहे हैं, खर्ची नहीं लेते, खर्ची तो पहले मांगते हैं जी। अगर हमें इनको 20,000 रुपये देने पड़ गए, 20,00,000 रुपये दे के मैं बाहर ना भेजूंगा जी, और सारी फैमिली फिट होगी वहाँ पे, यहाँ से ज़्यादा रोजगार है, और क्या चाहिए जी हमें? तो आप ये बताइए, जो इलेक्शन आ रहा है मेन, तो इसमें जो एक किसान मुद्दा भी था, ठीक है जी, वो कहाँ तक सार्थक हो? किसान मुद्दे की बात आती है, जो जहाँ भी किसान भाई अपना लगाते हैं पैरा, कुछ भी लगाते हैं, वहीं पे इनकी परेड कर देते हैं बेचारों की, क्या फायदा है ऐसी सरकार का? किसान भी हमारे, किसान है तो हम हैं, किसान पे 2 पैसा आएगा तो हमारे पास भी 2 पैसा आएगा, उसका बेनिफिट क्या है? किसान को कुछ रोजगार मिलना चाहिए ना, रोजगार मिलेगा तो हमारे पास तभी कस्टमर आएगा, कस्टमर किसान के, आम आदमी के पास पैसा होगा तो हमारे पास 2 पैसे आएंगे, तभी वो खर्चेगा ना, अपना घर परिवार भी देखना उसने इसी महंगाई के अंदर। और बताओ जी क्या चाहिए? तो देखिए हमारे बीच में इन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए और जेन्युइन मुद्दे उठाए। तो भाइयों बहनों आपने देखा कि किस तरह से इंद्री के लोगों ने, इंद्री विधानसभा के लोगों ने अपने स्पष्ट विचार अर्थ प्रकाश की चौपाल में रखे, और आपने देखा होगा, आपको काफी हद तक पता चल गया होगा कि इस वक्त यहाँ का रुझान किस तरफ जा रहा है। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा।